25 सिलेंडर एक छोटा सा दुकान में भर के रखना ये तो सही नहीं है ना। रेसिडेंशियल इलाका है, दो चार सिलेंडर रख सकते हैं, 25-30 सिलेंडर रखना, इतना ब्लास्ट हुआ, आधे घंटे तक ब्लास्ट होता रहा यहाँ पे। मैं अभी बदरपुर बॉर्डर पर हूँ और जो अभी 1.5 घंटा पहले आग लगी थी वो यही जगह है, इसी गली के अंदर जहाँ पर गांव घरों में सिलेंडर रखते हैं, उसमें कई सारे सिलेंडर रखे हुए थे और उसके बाद एक के बाद एक फटने शुरू हो गए। तकरीबन 12 सिलेंडर बताते हैं कि फट गए हैं। यहाँ पर पूरी लाइट इस एरिया की काट दी गई है और BSES की पूरी टीम लगी हुई है काम के लिए। यहाँ पर जो चश्मदीद हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। सर बताएं क्या हुआ था यहाँ पर जो आग लगी थी। यहाँ पे गैस सिलेंडर की दुकान है, दुकान थी, ठीक है जी। अब उस गैस सिलेंडर में कोई गैस बनवाने के लिए आया होगा या कुछ भी आया होगा, वहाँ पे गैस में आग लगी है। मैं सपा बोलो ना, ठीक है जी। सिलेंडर मेरी तरफ लेडी है जी, जी बताइए बताइए सर बताइए। जी मैं बदरपुर से पटवारी मान यानी रक्षवाल बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जी कम से कम 25 दुकानें खुली हुई है, उन मतलब गैस का ही काम है, गैस बेचने का सिलेंडर आता है, जो छोटे सिलेंडर 1 किलो 2 किलो जो भर के देते हैं वो लोग वाले वहाँ से, हर एक यहाँ किराएदारी बहुत है, किराएदार किराएदारों को भर के देते हैं, उनको जरूरत होती है 1 किलो 2 किलो 5 किलो देते हैं। रोड पे महक आती हो यहाँ पे, उसमें कभी भी आग लग जाती। नहीं आप लोग इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि वो बेच रहे हैं इस तरह से? किराएदार नहीं बोलते बेटे, सर ऐसा मंथली जाती है नीचे से ऊपर तक, जो बोलेगा वही। लेकिन आज ये जो नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। काम वासियों ने देखा है, यहाँ पर हर चीज की पुलिस भी आई है और आग बुझाने वाली अभी पूरी BSES की टीम अंदर काम कर रही है, जो स्पॉट है उस पर 10 दिन बाद फिर आना, आप इंटरव्यू लेना, यहाँ यही काम मिलेगा। नहीं 25 दुकानें यहाँ पर 25 जी जी बताइए 20-25 सिलेंडर एक छोटा सा दुकान में भर के रखना ये तो सही नहीं है ना। रेसिडेंशियल इलाका है, दो चार सिलेंडर रख सकते हैं, 25-30 सिलेंडर रखना, इतना ब्लास्ट हुआ, आधे घंटे तक ब्लास्ट होता रहा यहाँ पे। अब तक 40 मिनट हुआ है यहाँ ब्लास्ट, हर एक सिलेंडर बटा फिर 2 मिनट बाद दूसरा फिर तीसरा, यहाँ तो निकलना भारी होगा, बच्चे ही घर बच गया है, घर या तो बच्चे बच गए, अगल बगल पड़ोसी बच गए। या आप देख सकते हैं ठीक इससे 100 मीटर दूर आगे दुकान थी और इस दुकान के पास वहाँ पर कई सारे सिलेंडर रखे हुए थे जो इल्लीगल है। सब लोगों का यही कहना है कि ये जो इस तरह से सिलेंडर भरते हैं वो बिल्कुल इल्लीगल था और इस तरह की जो हर मोहल्ले गली मोहल्ले में इस तरह सिलेंडर भरते हैं उससे इस तरह के हादसे पेश आते। मैं शाहिद सलाम, फ्रेंड्स मीडिया विज़न के लिए।